हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज तो इस वीडियो में हमने एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है एक गवर्नमेंट स्कूल में जहां पे परमानेंट बेसिस पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इसमें पीजीटीज टीजीटीज और पी सभी के लिए पोजिशन है और सब्जेक्ट हमने यहाँ पे मैंशन करे हुए हैं आपके जो वीडियो में दिख रहा होगा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आप इसे सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को अगर आप पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है क्योंकि जो वैकेंसीज हम डालेंगे वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी अगर आप इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो तो बेसिकली आपको सर्च नहीं करना होगा आपके पास वो नोटिफिकेशन आएगा उस वीडियो का तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वैकेंसीज कहाँ पे हैं और आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो वैकेंसीज हैं पहले हम उसकी बात करते हैं तो उसमें पीजीटी बेसिकली चाहिए उनको कॉमर्स में जो कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे एलेवंथ और ट्वेल्थ के बच्चों को फिर पीजीटी चाहिए मैथ्स के लिए वो भी इलेवंथ और ट्वेल्थ के लिए हैं पीजीटी केमिस्ट्री एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के लिए पीजीटी इंग्लिश पीजीटी बायोलॉजी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पीजीटी इकोनॉमिक्स पीजीटी फिज़िक्स पीजीटी हिस्ट्री पीजीटी साइकोलॉजी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस तो ये पीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट टीचर्स के लिए और क्वालिफिकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उसी रेलिवेंट सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और साथ में आपका बी होना चाहिए उसके बाद कुछ वैकेंसीज़ हैं जैसे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए एक चाहिए मतलब नंबर मेंशन नहीं है बट उसमें रिक्वायरमेंट है फिर टी जी टी मैथ्स चाहिए टीजी टी सोशल साइंस टी जी टी इंग्लिश टी जी टी हिंदी टी जी टी संस्कृत टी जी टी साइंस टीजी टी कम्प्यूटर साइंस और फिर पी आर टी जो जनरल ग्रेजुएशन प्लस बी एड चाहिए और एक पी आर टी चाहिए हिंदी के लिए तो ये सारी वैकेंसीज वहां पे हैं और ये निकाली है नेवी चिल्ड्रन स्कूल न्यू नेवी नगर कोलाबा मुंबई मुंबई में ये है स्कूल करीब ढाई हजार बच्चे हैं, सीबीएसई स्कूल है और नेवी बेसिकली इसको रन करती है जो भारतीय नौसेना है एप्लीकेशन नौ uh, करने के लिए आपको ऑफलाइन करना होगा बेसिकली आपने उनको uh, जो है सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करने हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है स्कूल की वेबसाइट से और उसके बाद आपने सौ रुपए का एक uh, जो है रजिस्ट्रेशन फी आपने पे करनी होगी और उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपना जो क्वालिफिकेशन है जो एक्सपीरियंस है जो अचीवमेंट है उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और फिर उनको भेज देना है आपने स्कूल को 19 दिसंबर तक ये उनको मिल जाना चाहिए मतलब आज 10 तारीख है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अभी 9 दिन का टाइम इसके लिए आपके पास है बट ये आपने उनको भेजना है तो फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स उनको भेजने हैं और थोड़ी एलिजिबिलिटी डिटेल्स यहाँ दी हुई है मास्टर्स डिग्री आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट में कम से कम साठ परसेंट नंबर होने चाहिए अगर आप ह्यूमैनिटीज की बात करें तो और बी आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए पचास परसेंट मार्क्स के साथ और आपका जो है एज लिमिट है फोर्टी थ्री तो एज लिमिट का इसमें अच्छा है ऑप्शन टी के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है बट पोस्ट ग्रेजुएशन की जगह ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए तो बी ए बी एस सी डिग्री आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए विद सिक्सटी परसेंट मार्क्स और आपको बी एड फिर उसके बाद होना चाहिए विद परसेंट मार्क्स एज लिमिट इसके लिए भी फोर्टी थ्री है पी आर टी के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका है वो सिक्सटी परसेंट मार्क्स कम से कम होने चाहिए और साथ में बी एड आपका होना चाहिए इसकी भी एज लिमिट फोर्टी थ्री ईयर्स है रिटर्न uh, टेस्ट के थ्रू इसका सिलेक्शन होगा तो नाइनटीन तक आपने फॉर्म सबमिट करना है एट्थ जनवरी को जो है कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे टेस्ट के लिए और उसके बाद 16 जनवरी को सिक्सटीन जनवरी को टेस्ट होगा और उसके बाद 29 जनवरी को जो टेस्ट में क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो ये इसका प्रोसीजर है डेट और टाइमिंग भी दी हुई है आपके रिटर्न टेस्ट की तो काफी क्लैरिटी है इनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें बट मुंबई में ये स्कूल है तो अगर आप अप्लाई uh, करना चाहें आप अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करता है उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं ये इनकी वेबसाइट है एन सी एस मुंबई डॉट कॉम यहाँ पे आपने जाना है फिर जो वैकेंसीज़ पे आप जाएंगे तो आपको ये तो हमने वो फॉर्म आपको दिखाया वो सॉरी नोटिफिकेशन आपको दिखाया जो यहाँ से हमने लिया है और जब आप टीचर एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ से उसको अपने डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है उसको फिल करना है एंड देन यू है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सैलरीज क्लियरली मेंशन नहीं करी गई है बट जो भी गवर्नमेंट का पे स्केल रहता है उसको वो डेफिनेटली मैच करते हैं क्योंकि वो भी गवर्नमेंट uh, है बट एक अलग तरीके से क्योंकि नेवी रन करती है उसको एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको रन करती है तो ये एक वैकेंसी थी होप दिस वाज यूजफुल वेल अगेन कम बैक टू यू विद वैकेंसीज थैंक्स फॉर वाचिंग